हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास ये रेडमी का 10 प्राइम फ़ोन आया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको मॉडल नंबर इसका दिखा देता हूँ, रेडमी 10 प्राइम। फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं इसका जो है बैजवेट वर्ज़न जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देख सकते फ्रेंड, यहाँ पर वर्ज़न भी है, अवेलेबल है। और फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम वो नेटवर्क का देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें कोई भी सा भी सिम आप लगाते हैं तो इसमें नो सर्विस आएगा, और कभी कभी जो है 2G कभी कभी आ जाता है। वैसे नो सर्विस ही ज़्यादातर रहता है इसमें। और मैं आपको सिम भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिम, इसमें एयरटेल और जियो का सिम लगा हुआ है, पर दोनों में जो है नो सर्विस ही शो कर रहा है। तो मैंने इसे सर्चिंग वगैरह भी करके देखा है, फिर भी जो है इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं आपको सिम पहले दिखा देता हूँ कौन सा सिम लगा हुआ है इसमें। देख सकते हैं फ्रेंड, जियो और एयरटेल का सिम लगा हुआ है। फ्रेंड, करना क्या है हमें, ये जो आईसी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आईसी है इससे नेटवर्क वाला प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड, करते क्या है, हमको सबसे पहले इसका जो बोर्ड है वो बाहर निकाल लेते हैं हम। फ्रेंड, इसे मैंने बाहर निकाल दिया है, और ये जो है नेटवर्क आईसी, हम लोग क्या करना है, हल्का सा इस पर पेस्ट देके इसको मूव करना है, हल्का पेस्ट देके इसको मूव करना है। तो पहले ऐसा, से पहले हम लोग फ्रेंड यहाँ पे जो है ये मीटर से हम लोग को चेक कर लेना है कि इसमें जो है शॉर्टिंग वगैरह नहीं है या वोल्टेज कम्प्लीट मिल रहा है। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज है वो सही मिल रहा है, और शॉर्टिंग जो है वो भी नहीं है। देख सकते फ्रेंड, दो कैपेसिटर है, अगर इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी जो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है नो सर्विस का, फिर भी नो सर्विस रहेगा अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो। पर मेरी जो है वोल्टेज अभी प्रॉपर मिल रही है और शॉर्टिंग भी नहीं है वहाँ पर। तो फ्रेंड, करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे पेस्ट देके हल्का सा इसे मूव कर लेना है, उसके बाद आपको फिर नेटवर्क चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं फ्रेंड। फ़ोन को ऑन कर देना मूव करने के बाद, और इसे ऑन करके उसको चेक करना मेरा जो नेटवर्क है वो आया कि नहीं आया। अगर फ्रेंड आपका नेटवर्क जो फिर भी नहीं आता है तो फ्रेंड कुछ और हमको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ इसको मूव करने के बाद। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर 2G 3G मैंने सेटिंग सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी जो मेरा नेटवर्क वो नहीं आ रहा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देख सकते फ्रेंड, मेरा जो नेटवर्क है वो अभी भी नहीं आ रहा है। मैंने आईसी को मूव कर दिया है और नेटवर्क सेटिंग वगैरह भी चेक कर लिया है मैंने। देख सकते हैं इसमें जो है कोई सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, और मैंने इसकी सेटिंग वगैरह भी चेक की है, फिर भी वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी जो मेरा नेटवर्क है वो नहीं आ रहा है। और मैंने जियो का सिम जो सेटिंग्स है उसको बंद कर रखी है। और देख सकते फ्रेंड, यहाँ पर एयरटेल आया भी है, वो भी आपको 2G आया है। देख सकते फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2G पे क्लिक किया हुआ है, और नेटवर्क जो आया है वो 2G आया, वो भी ई पकड़ रहा है। देख सकते फ्रेंड, और यहाँ परफेक्ट LTE पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपको सर्चिंग वाला यानी नो सर्विस वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है 4G वाला, तो फिर करना क्या है, यहाँ से हमें जो फ़ोन है उसे ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद जो PCB बोर्ड है हमको उसको भी बाहर निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो देख सकते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो सेफ्टी केन है, यहाँ पे 4G IC रहती है, तो हम लोग को उसे जो है सेफ्टी केन को पहले सबसे पहले रिमूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट रिमूव कर लेते हैं। तो सकते हैं फ्रेंड, मैंने जो सेफ्टी केन है हमने उसे रिमूव कर लिया, और रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पे साइड में, तो उसे हम उस मतलब उस पर हमको वोल्टेज चेक करना है, और चेक करने के बाद देख और ये भी चेक करना है कि हमारी जो कैप है वो शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर फ्रेंड ये जो कैप है वहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा, और अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी जो है आपका ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फिर देख सकते हैं मेरा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो वोल्टेज है वो ठीक से आ रहा है। फिर करना क्या है, इसमें पेस्ट देना है, उसके बाद आपको जो IC को है इसको हल्का सा मूव कर देना है। मैंने मूव कर दिया और मेरा PCB बोर्ड जो है वो भी ठंडा हो चुका है। होने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड, इसको जो बोर्ड को जो है मैं मतलब फ़ोन में फिट करता हूँ, उसके बाद नेटवर्क चेक करते हैं मेरा जो नेटवर्क था वो आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड फ़ोन को हम लोग ऑन करते हैं। इसलिए फिर मेरा जो फ़ोन में जो नेटवर्क है वो एक बार में आ गया, वो भी 4G नेटवर्क आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे आप। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो नेटवर्क है वो 4G आ चुका है, और मैं आपको सेटिंग से वो भी दिखा देता हूँ। जो जियो का सिम लगा हुआ था वो मतलब उसको मैंने सेटिंग से बंद कर रखा है, तो उसे भी मैं इनेबल कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड जियो का सिम जो है उसका भी जो है नेटवर्क वो यहाँ पे आ चुका है। सकते फ्रेंड, और फ्रेंड इसमें जो ज़्यादातर आपको ये सब फ़ोन में जो है जितना भी रेडमी का फ़ोन कुछ कुछ मॉडल, तो फ्रेंड इसमें आपको पहले नेटवर्क नॉर्मल नेटवर्क IC को मतलब मूव करके देखना है, अगर उससे भी नहीं होता तो आप 4G IC को मूव करके देखिए, इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।